हाय फ्रेंड्स, बच्चों हम षष्ठी विभक्ति के सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा सूत्र है षष्ठ्यतसार्थ प्रत्ययेन। यह पाणिनि के अष्टाध्याय के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 30वां सूत्र है। बच्चों, सूत्र बहुत सरल होते हैं यदि हम सूत्रों को ही समझ जाएं। प्रस्तुत सूत्र में बच्चों षष्ठी अतसार्थ प्रत्ययेन ये पद है। षष्ठी प्रथम विभक्ति एकवचन, अतसार्थ प्रत्ययेन यह तृतीय विभक्ति एकवचन है कि अतस प्रत्यय, अतस का अभिप्राय है अत सुच प्रत्यय तथा इसी के समान अर्थ वाले अन्य प्रत्ययों से बने शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अतसुच तदर्थे च प्रत्यय योगे षष्ठी भवति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा? अतस प्रत्यय तथा इसके सदृश अर्थ रखने वाले प्रत्ययों से बने शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होगी। अब हम देखते हैं अतस अर्थात अतसुच प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं। बच्चों, एक सूत्र आता है दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच। यह सूत्र कहता है दक्षिणा तथा उत्तरा इन दो शब्दों से दिक् देश तथा कालवाची इन अर्थों में अतसुच प्रत्यय होता है। अतसुच प्रत्यय कहाँ कहाँ होता है? दक्षिणा शब्द से तथा उत्तरा शब्द से। बच्चों, यह तद्धित प्रत्यय है। मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। दक्षिणा से अतसुच प्रत्यय होने पर दक्षिणतः बनता है तथा उत्तरा के परे अतसुच होने पर उत्तरतः बनता है, जिनका अर्थ होता है दक्षिण की ओर उत्तर की ओर। एक समस्या का समाधान तो हो गया कि अतसुच प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बने हैं। तो इसे सरल भाषा में इस प्रकार समझेंगे, दक्षिणतः तथा उत्तरतः शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अतसुच प्रत्यय के सदृश अर्थ वाले प्रत्ययों से बने शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अतसुच प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अतसुच प्रत्यय दिक् देश तथा काल अर्थों में प्रयुक्त होता है और किस किस से होता है? दक्षिणा तथा उत्तरा शब्दों से। जिन प्रत्ययों के दिक् देश तथा काल ये अर्थ होंगे तो उनसे बने शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। पूर्व धन असी, यह असी प्रत्यय भी दिक् का देश तथा काल इन अर्थों में प्रयुक्त होता है तथा इसका सूत्र है पूर्वाधरा वराणाम असि पुरधवश्चैषाम। यह पाणिनि की अष्टाध्याय के पांचवे अध्याय के तीसरे पाद का 39वां सूत्र है। बच्चों, यह सूत्र कहता है पूर्व अधर तथा अवर इन शब्दों से भी दिक् देश तथा काल इन अर्थों में असी प्रत्यय होता है तथा पूर्व अधर तथा अवर इनके स्थान पर क्रमशः पुर अधय तथा औ ये आदेश हो जाते हैं। पूर्व धन असी क्या शब्द बनेगा? बच्चों, पुरह। उपरी तथा उपरिष्टात ये भी अतसर्थ होते हैं, अतः इनके योग में भी
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। दक्षिणत है, उत्तरत है, पुरह है, पुरस्तात, उपरी, उपरिष्टात। इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, स्पष्ट हो गया। दक्षिणा से अचसुच प्रत्यय करने पर दक्षिणत है तथा उत्तरा से अचसुच प्रत्यय करने पर उत्तरत है बनता है। ये सभी विस्तार में हम तद्वित प्रत्यय पढ़ते समय पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। गांव के उत्तर की ओर महाविद्यालय है। बच्चों, गांव के उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, यहां पर हम उत्तर तह पद का प्रयोग कर रहे हैं तथा यह पद अचसुच प्रत्यय से बना है। क्योंकि उत्तर तह पद अचसुच प्रत्यय से बना है, अतः इसके योग में गांव के, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब हम देखते हैं महाविद्यालय, यह हमारा कर्ता है तथा है क्रिया। संस्कृत बहुत सरल है बच्चों, बताइए क्या बनेगा। राम की षष्ठी रामस्य, राम की ग्रामस्य, ग्रामस्य उत्तरत है, महाविद्यालयो अस्ति। ठीक है बच्चों, या महाविद्यालय है अस्ति। गांव के दक्षिण की ओर महाविद्यालय है। ग्रामस्य दक्षिणतः महाविद्यालयो अस्ति। हम पाणिनि की अष्टाध्याय के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का तीसवां सूत्र पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व एक सूत्र आता है, वह सूत्र है अन्य आरात इतर रिते दिक् छब्जात अंचोत्तर पदा जाहि युक्ते। एक पद का प्रयोग हुआ है, यह है दिक्। यह सूत्र पंचमी विभक्ति का विधान कर रहा है कि अन्य आरात इतर रिते दिक्वाची दिशावाची शब्द आदि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन यह सूत्र दिक् इसका अपवाद सूत्र है। यह सूत्र दिग्वाची शब्दों में, दिग्वाची शब्दों में पंचमी का विधान न करके षष्ठी का विधान करता है। ठीक है, अब आता है गांव के सामने, गांव के सामने नगर है। नगर है, यह कर्ता तथा यह क्रिया, यह तो स्पष्ट है बच्चों। के सामने, इसके लिए यहां हम पुरह का प्रयोग कर रहे हैं, अतः ग्राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ग्रामस्य पुरह नगरमस्ति। नगर शब्द नपुंसक लिंग है बच्चों, इसलिए नगरम अस्ति ये प्रयोग हुआ। बच्चों, आज हमने पढ़ा
षष्ठ तसर्थ प्रत्यय न। इस सूत्र के अनुसार अत्सुच प्रत्यय से बने शब्दों के योग में तथा अत्सुच प्रत्यय के समान अर्थ वाले प्रत्ययों से बने शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम यह तो समझ ही गए हैं कि अत्सुच प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं। बताइए कौन कौन से शब्द बनते हैं अत्सुच प्रत्यय से। ये है दक्षिणतः तथा उत्तरतः। सूत्र बड़ा ही सरल है, इसे आप ध्यान से समझिए। यह सूत्र पंचमी विभक्ति के दिक्वाची इसका अपवाद सूत्र है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।